अपराधियों को, बेटी बचाओ का नारा था पर अपराधी बचाओ, क्योंकि वो अपराधी भाजपा का सांसद है। लोकतंत्र, वर्तमान में लोकतंत्र इस मोदी सरकार की तानाशाही से वास्तव में खतरे में है। लड़ाई मोदी से देखिए, जो प्रदर्शन हमें, आप कहिए मोदी से लड़ना है, मोदी से मोदी जो तानाशाही करा उससे लड़ना है। तो आप अपनी बात छोड़िए, मोदी से लोकसभा में मोदी से लड़ रहे हैं, और ये दर्शाता है कि ये देश अब तानाशाही की ओर जा रहा है। किसी भी जो हमारे संस्थाएं हैं उनको स्वतंत्र तरीके से काम करने नहीं दिया जा रहा है। इसमें है मोदी जी नहीं आने वाले, आप लिख लीजिएगा, क्योंकि देश की जनता, देश की महिलाएं, वो सबसे बड़ा मुद्दा होगा बेरोजगारी और आपकी महंगाई। नमस्कार, मैं ऋचा कौशिक, आप देख रहे हैं भारत। इस वक्त हम मौजूद हैं नई दिल्ली के जंतर मंतर पे, जहां कांग्रेस या आप एक कह सकते हैं कि बीजेपी से विपक्षी गठबंधन इंडिया के समक्ष पार्टी के बड़े बड़े नेता यहां पे मौजूद है। चलो चलो जंतर मंतर चलो कह के यहां पे एक धरना प्रदर्शन हो रहा है, जहां पे डेमोक्रेसी को लेके बात हो रही है, लोग लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। इनके हिसाब से लोकतंत्र कहीं ना कहीं खतरे पे, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि राजनीति के कढ़ाई में जब भी कोई तड़का लगता है तो उसकी महक दिल्ली के जंतर मंतर तक ज़रूर आती है। तो वैसा ही कुछ माहौल आप यहां देख सकते हैं कि लोग काफ़ी संख्या में यहां पे एकत्रित हुए हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। बहुत बड़े बड़े लीडर्स अलग अलग पार्टीज के, कांग्रेस के, आरएलडी के, आपके यहां पे मौजूद है। कोशिश करेंगे हम उनसे बात करें और जाने कि ये मुद्दा आखिरकार है क्या। जैसे कि कल संसद से 146 सांसद निलंबित किए गए हैं, उसको लेकर और भी बहुत सारे मुद्दों को लेकर यहां पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आइए हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है उनके मन में और किस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं, क्या सचमुच में देश का लोकतंत्र एक बार फिर से खतरे में है। सर, आप जो ये बैनर लेके घूम रहे हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा है ईवीएम में वोटों का घोटाला, यानी आप इस बात को कहीं ना कहीं सच मानते हैं कि ईवीएम में घोटाले हो रहे हैं? बिल्कुल सच बात है ये। देखिए, जब कांग्रेस का राज था तो जब काउंटिंग होती थी हम 2 या 3 दिन में काउंटिंग करा लेते थे, लेकिन ये क्या राज है, क्या गहरा राज है कि एक एक महीना, दो दो महीने काउंटिंग नहीं होती। मशीनों को स्ट्रांग रूम में रख दिया जाता है, वहाँ अंदर कोई सीसीटीवी है नहीं, बाहर इनके पहरेदार, पुलिस इनकी, सब लोग इनके हैं, लेकिन अंदर क्या है ये तो सबूत लोगों ने दिखाया है कि स्ट्रांग रूम से बाहर बैलेट पेपर तोड़े गए, मशीनें कब्रिस्तान से मिली गई। ये इस बात का सबूत है कि इन्होंने टेम्पर की हैं, ये हैक हो जाती हैं, ये सच्चाई है। और दूसरी चीज़, जो ये मोदी जी ने 2000 का नोट चलाया था, जब 2000 का नोट चलाया तो बंद क्यों किया? 2000 का नोट चलाया, बंद क्यों किया? जो 2000 का नोट नहीं चला सकते वो सरकार क्या चलाएंगे? आपके हिसाब से क्या है, क्या सचमुच में आज लोकतंत्र खतरे में है? लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, खतरा तो बहुत छोटी बात है। जिस तरीके से हमारे विपक्ष के सभी सांसदों को जो निलंबित किया गया है या सस्पेंड किया गया है, उसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं, और ये दर्शाता है कि ये देश अब तानाशाही की ओर जा रहा है। किसी भी जो हमारे संस्थाएं हैं उनको स्वतंत्र तरीके से काम करने नहीं दिया जा रहा है। विशेष तौर से हम लोग चुनाव आयोग और जो ईडी है उसका जो दुरुपयोग हो रहा है, ये वर्तमान में सरकार कर रही है, उसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। हम लोग मांग करते हैं कि जो हमारे सांसद जिनको सस्पेंड किया है उन्हें जल्दी जल्दी रीइंस्टेट किया जाए और लोकसभा में लोकतंत्र की जो है बहाली की जाए। देखिए, 24 में हैं मोदी जी नहीं आने वाले, आप लिख लीजिएगा, क्योंकि देश की जनता, देश की महिलाएं, वो सबसे बड़ा मुद्दा होगा बेरोजगारी और आपकी महंगाई। आज हर घर घर में इतनी महंगाई है, हर महिला, हर घर की रसोई, उनकी रसोई जो है वो छोटी हो गई है, उनका बजट डगमगा गया है। वो बजट नहीं है जो कांग्रेस के राज में था। आज लोगों को सोचना पड़ता है, सब्जी इतनी महंगी, टमाटर 400 रुपये किलो, अदरक 400 रुपये किलो, घी 200 रुपये किलो, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आम आदमी को बिल्कुल हर्ट करती हैं, और इन्होंने उतनी इस चीज़ों को बढ़ाया। पेट्रोल के दाम देख लीजिएगा इतने हैं, और आज महिला सुरक्षित कहाँ है? जो क्रिमिनल हैं वो संसद में बैठे हैं, ब्रिजभूषण शरण वो अंदर बैठा है, वो जो गृह राज्य मंत्री ब्रिजभूषण शरण वाला जो कल यहाँ पे नए अध्यक्ष बनाए गए, उस पर आपका क्या बयान होगा? वो उन्हीं का है, उन्हीं का शिष्य है, कोई डेमोक्रेटिक थोड़ी है, डेमोक्रेसी थोड़ी हुआ है, मनमानी है, तानाशाही है। कल उनका एक बैनर देखा था मैंने ब्रिजभूषण शरण जी के, वहाँ जहाँ पे लिखा था दबंगई है और दबंगई रहेगी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ब्रिजभूषण शरण सिंह जो हैं हम भी जानते हैं और आप भी जानती हैं, वो किस किस्म के नेता हैं, वो दबंग हैं,
और माफिया भी हैं। अगर काश वो भाजपा से हटके किसी और पार्टी से होते तो बात ही कुछ अलग होती, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं, जैसा आज इस अहंकारी सरकार में हो रहा है। मैं अपने विचारों को जो शुरू करूंगा एक शेर के साथ करूंगा, भारतीय जनता पार्टी पे है कि ये राजनीति भी कितनी अजीब होती है, ये राजनीति भी कितनी अजीब होती है, कभी मंदिर कभी मस्जिद तो कभी हिंदू मुसलमान होती है। इनके पास सिर्फ अब यही रह गया है, अगर इनसे आप सवाल करोगे तो या तो आप पे कार्रवाई होगी या आपको निलंबित किया जाएगा। गलती आप करें, संसद में आपके शासन में लोग घुस रहे हैं, आपके आई कार्ड आपके ही लोग, आपके सांसद के कार्ड, सवाल किससे किया जाता है, निलंबित किसको किया जाता है, विपक्ष को। तो इस सरकार में इनसे सवाल मत करिए, मुद्दों पर बात मत करिए, बेरोजगारी पर बात मत करिए, महिलाओं की सुरक्षा पर बात मत करिए, क्योंकि इनसे जवाब देना नहीं आता। एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप मुझे बता दो देश के प्रधानमंत्री या अमित शाह गृह मंत्री जी की हो 10 साल में, क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं बताने के लिए। है भी तो क्या है, सिर्फ मंदिर के नीचे मस्जिद, मस्जिद के नीचे मंदिर और मंदिर के नीचे बोध, यही 10 साल में हुआ है। देश इतना पिछड़ चुका है और इतने नीचे इकोनॉमी गिर चुकी है कि आज हम रिकॉर्ड आया है कि 2 लाख करोड़ के कर्जे में हमारा देश है। जब कांग्रेस सरकार अपनी सत्ता से बाहर हुई थी 55,000 करोड़ का हम पे कर्जा था, आज इतना कर्जा हो चुका है हमारे देश पे, और ये भटकाने का काम कर रहे हैं देश को। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम के और आस्था के नाम पर, राम के नाम पर लड़ाने का काम कर रहे हैं, मगर हम आज ये जो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, अब ना ही भगत सिंह आएंगे ना ही चंद्रशेखर आजाद आएंगे, इस देश के युवा को भगत सिंह और चंद्रशेखर बनना पड़ेगा इस देश को बचाने के लिए। जो ये चुनाव हुए इसमें कांग्रेस की परसेंटेज खुद की बहुत अच्छी रही, सिर्फ 1-2% से ही कांग्रेस के वोट ऑफ जो परसेंटेज था वो कम रहा, ये कांग्रेस का अच्छा रहा। मगर विडंबना ये है कि हम आज जिस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, मैं दिल्ली से कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, 35 साल से पुराना हूँ, कांग्रेस के अच्छे AICC से लेके PCCC कई पदों पर रहा हूँ। मुझे आज ये जो दिल्ली में हमारा हाल है कांग्रेस का, वो ये कि हमें यही नहीं पता कि हमें आम आदमी पार्टी से लड़ना है या BJP से लड़ना है, हमारी लड़ाई किससे है हमें यही नहीं मालूम है। आज हम दिल्ली में कहीं भी लड़ाई मोदी से है, मोदी जो डिक्टेटरशिप है लड़ाई मोदी से। देखिए एक सांसद 10 लाख, देखिए 10 लाख, एक चुप रहिए आप, चुप रहिए, 10 लाख जो लोगों, एक सांसद है 10 लाख का प्रतिनिधित्व करता है, वो क्या अपना सवाल भी नहीं कर सकता सांसद में? सवाल ये है, ये राजनीति के पता नहीं कितने इनको हो गए, हमारा जो ये इंडिया का है ये सेंटर लेवल का है, मैं सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा हूँ, जो सेंटर का है ये जो प्रदर्शन हमें, आप कहिए मोदी से लड़ना है, मोदी से मोदी जो तानाशाही करा उससे लड़ना है, आप अपनी बात छोड़िए, मोदी से लोकसभा में मोदी से लड़ रहे हैं। यहाँ पे घाजरा लोकतंत्र खतरे में है, क्या बोलना चाहेंगे आप? लोकतंत्र वर्तमान में, लोकतंत्र इस मोदी सरकार की तानाशाही से वास्तव में खतरे में है। यहाँ पर नियम कानून कुछ बचे नहीं है, जो लोकतंत्र की आवाज उठाता है, जो कानून की बात करता है, उल्टे उसको दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है और उसको तरह तरह से परेशान किया जाता है। पूछे देश की बेटी साक्षी मलिक से, जिसकी कल आंखों में आंसू थे, न्याय नहीं मिल रहा अपराधियों को, बेटी बचाओ का नारा था पर अपराधी बचाओ, क्योंकि वो अपराधी भाजपा का सांसद है, तो न्याय मिल रहा है नहीं मिल रहा, लोकतंत्र की हत्या होनी हो रही है, देश के बेरोजगार युवाओं से पूछिए, देश की शोषित यौन उत्पीड़न की जो शिकार बेटियों से पूछिए, देश के किसानों से पूछिए, वो आपको बताएंगे कि 140 सांसद नहीं है, करोड़ों लोगों ने वोट देकर चुनकर अपनी आवाज बनाकर लोकतंत्र में भेजा था, उसकी हत्या की आपने। मैम 140 सांसदों को निलंबित किया गया, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, यही तो लोकतंत्र की हत्या, मैं फिर कह रही हूँ, आपने सुना नहीं, वो 140 सांसद नहीं है, करोड़ों लोगों ने वोट देकर अपनी आवाज बनाकर अपने मुद्दों पर भेजा है, उस आवाज को कुचला बर्दाश्त नहीं करेंगे, एडी चोटी का जोर लगा देंगे और इस सरकार को, तानाशाह को झुकाएंगे। इनके हिसाब से लोकतंत्र को कुचला जा रहा है और कहीं ना कहीं भाजपा सरकार लोकतंत्र को कुचल रही है, और किसानों की हत्या साक्षी मलिक के साथ जो इनके हिसाब से नाइंसाफी हुई है उस पर यहाँ पे कांग्रेस ने मिलकर आवाज उठाई है। कैमरामैन संजय पांडे के साथ ऋचा कौशिक की रिपोर्ट, और देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे अन भारत के साथ।